आईटीयू फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो की शुरुआत करती हूँ। सुबह के 5:30 बज रहे हैं, तो बस यहाँ पर मैं उठ गई और यहाँ पर उठने के बाद थोड़ी देर बैठे और बस जो है मैंने सोचा चलिए पहले तो मैं जो है मुँह हाथ धो लेती, क्योंकि सुबह सुबह की जो नींद रहती है ना वो खुलती नहीं है और बड़ी मुश्किल से सुबह जो है नींद खोलनी पड़ती है मजबूरी में, क्योंकि सुबह हो गई उठना तो पड़ेगा जो है। तो हम हाउसवाइफ हैं, हमें तो जो है सुबह ही उठना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम थोड़ी देर आराम और कर लें, लेकिन ये तो हमें जो है अब नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो सब बचपन में मिलता है। जब हम छोटे रहते हैं, कुंवारे रहते हैं, मम्मी पापा के साथ रहते हैं, तभी हमें ये सब नसीब होता है। उसके बाद तो फिर हमें ये सब चीज़ें मिलती नहीं है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक तो हम अपनी जो है शुरुआत कर रहे हैं काम की। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने मुंह धोया, उसके बाद मैंने यहाँ पर किचन की सफाई की है। तो सबसे पहले सुबह की जो भी सफाई रहती है ना, वो अगर सुबह हो जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है देखने में, एकदम है ना मन में ना बहुत सुकून मिलता है। और उसके साथ साथ हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, सकारात्मक की ऊर्जा बनी रहती है हमारे घर में, जब हम जो है सुबह की सफाई कर देते हैं। था तो बस यहाँ पर मैं बस अपनी घर की जो सफाई है उसी में मैं लगी हुई हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो किचन के जो भी बर्तन थे वो मैंने सब साफ करके, उसके बाद में मैं किचन की सफाई कर दी, इसके बाद हम बर्तन थे वो सब जमा दिए। इसके बाद यहाँ पर रह गई हमारी टेबल। तो झाड़ू लगाने से पहले मैं टेबल को सफाई करती थी, क्योंकि यहाँ पर है ना बच्चे पढ़ते, अभी तो घर पढ़ नहीं रहे लेकिन फिर भी यहाँ पर खाना रखा रहता, बच्चे यहाँ खेलते भी हैं, तो इसलिए मैं सुबह ही सफाई कर देती हूँ। और उसके बाद में फिर दिन में इतना सामान यहाँ पर हो जाता है कि जगह नहीं मिलती है टेबल पर, इतना मतलब सामान हो जाता है सुबह सुबह, तो इसलिए एक बार मैं सुबह सफाई कर देती हूँ अच्छे से, उसके बाद में फिर घर की सफाई करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने जो है ऊपर की सफाई करके इसके बाद मैंने झाड़ू निकाल दिया। उसके बाद में मैंने जो है बाहर की मतलब झाड़ू वाड़ू थी वो सब निकाल दी, बाहर का साफ सफाई करके उसके बाद नहा करके आ गई हूँ मैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं जो है अभी पूजा मेरी नहीं हुई है, क्योंकि सुबह अभी क्या दोस्तों, अभी थोड़ा सा मेरा आगे पीछे ये होता ही रहता है, जैसे कि मैं सोचती हूँ सुबह नहा करके सबसे पहले पूजा कर लूँ, लेकिन अभी नहीं हो पाता है दोस्तों। तो अभी थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि पति देव चाहते सुबह ड्यूटी पे, तो इसलिए मैं सुबह सुबह उनके लिए खाना पहले बनाती हूँ और उसके बाद में फिर मैं पूजा करती हूँ। तो अभी थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा चेंज हो गया है मेरा जो रूटीन है वो, और इससे ज़्यादा अभी और चेंज होगा, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद बच्चे स्कूल जाने लगेंगे तो और ज़्यादा जो है चेंज हो जाएगा हमारा रूटीन है वो। यहाँ पर हमने दाल रख दी थी बनने के लिए, चावल भी हमने रख दिए, तो चावल और दाल देखिए बन रही है हमारे दोनों, दाल में सीटी आ गई, तो बस मेरी दाल जो है पक चुकी है, बस इसको तड़का लगाना रह गया है। तो सबसे पहले तो जो है मैं आटा लगा के रख देती हूँ, उसके बाद में फिर लगाती हूँ दाल में तड़का। तो यहाँ पर मैंने दाल रख दी नीचे, और यहाँ पर प्याज, हरी मिर्ची और धनिया वगैरह ये सब साफ कर लेती हूँ, काट लेती हूँ, उसके बाद फिर जो जल्दी से सब्जी चौक देती हूँ। सुबह पति देव अगर उठ जाते ना फिर तो इतनी जल्दी रहती है कि जो मेरा मेरे सुबह सुबह मेरे चार हाथ हो जाएं सुबह सुबह, जो कि मैं अपना इतना जल्दी काम कर लूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वो लेट ना हो जाए। और वो जब तक नहा करके आते ना तब तक जो सब्जी बन जाए और रोटी भी दो तीन बन जाए तब आए, तब जो मुझे अच्छा लगता है, नहीं तो फिर मुझे ऐसा लगता है कहीं जो सुबह सुबह बोलने ना लगे कि कुछ मतलब लेट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं सुबह सुबह बस यही करती हूँ कि पहले तो खाना की जो है तैयारी करके और जल्दी से खाना बना देती हूँ मैं, बस अभी यही कर रही हूँ दोस्तों सुबह सुबह, क्योंकि अभी है ना थोड़ा सा काम उनका ज़्यादा चलने लगा तो इसलिए फिर सुबह जल्दी जाते हैं, तो इसलिए। तो बस यहाँ पर हमने जो है मैंने जो है दाल को छौंक रही हूँ, सब मैंने काट लिया, धनिया मिर्ची और जो भी काटना था सब काट के, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है चली गई थी लाइट, देखिए अंधेरे में कैसा लग रहा है ना। तो मैंने सोचा अभी जो है मैं कैमरे को ऑन रहने देती हूँ, और
फोन कैमरा देख लीजिए सुबह, मतलब लाइट चली जाती है ना तो भी कैसा लगता है ना, बिल्कुल बेकार लगता है कमरे में तो, बहुत ही मतलब गर्मी लगती है वो तो लगती है, लेकिन अंधेरे में अच्छा ही नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए लाइट चली गई, और उसी टाइम पे मैंने ना दाल को छौंक दी थी, मैंने कहा लाइट चली गई फिर भी जो है जब तक लाइट आएगी तब तक जो है पतिदेव जो है नहा करके आ जाएंगे। तो फटाफट से हम सब्जी वब्जी छौंक के, और उसके बाद मैंने देखी चाय भी रख दी थी बनने के लिए, और चाय पीने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि आ गए थे वो मतलब मेरे पतिदेव जल्दी से। तो फिर मैंने जो मतलब थोड़ी सी गुनगुनी करके और ऐसी मतलब आधी पी ली आधी मैंने रख दी, मैंने कहा आधी मैं जब बाद में पीऊँगी क्योंकि मतलब रोटी बना दें और जब रोटी बन जाएगी ना उसके बाद में पीऊँगी। तो फिर जो है टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी जो चाय पीने का, फिर मैंने सोचा अभी रहने देती हूँ, आधी पी ली थी आधी मैंने रख दी थी। यहाँ पर देखिए मैंने जो सब कर लिया है, यहाँ पर मैंने गैस पर रख दी थी कढ़ाई को, मैंने कहा अभी लेट ना हो जाए इसलिए। तो चलिए फटाफट से हम बनाते हैं अपना खाना, और उसके बाद में और यहाँ पर देखिए हमारी दाल खोल रही है, इसमें मैं धनिया भी डाल देती हूँ, बस मतलब बन चुकी है दाल, तो इसमें मैंने धनिया डाल दी। तो बस यहाँ पर हमारी दाल बिल्कुल तैयार हो गई है, और मैंने आटा भी लगा के रख दिया है। बस अब हम नीचे गैस रख लेंगे और उसके बाद में फटाफट से हम बनाते हैं रोटियाँ। खड़े होके ज़्यादा देर तक मुझसे जो काम नहीं होता है, मुझे मतलब हाथ पैरों में थोड़ा सा दर्द होने लगता है, इसलिए मैं जो है नीचे रख लेती हूँ सुबह सुबह। तो सुबह थोड़ा सा मतलब खाना ज़्यादा भी बनता है, इसलिए मैं गैस को नीचे रख लेती हूँ, आराम से बैठ के जो है रोटियाँ बना लेती हूँ। फिर चाहे कितनी भी बनानी पड़े लेकिन बैठ के जो है आराम से रोटियाँ बन जाती हैं। यहाँ पर हमने देखी दाल जो है ठंडी कर दी, और देखा अभी मुझे आपको जो पतिदेव दिखे होंगे नहा कर आ चुके हैं, और यहाँ पर उनके लिए मैंने दाल भी ठंडी कर दी, और दाल को मैंने दूसरे बर्तन में पलट के रख दिया। अब इसमें मैं प्लेट है ढक देंगे और इसको रख देंगे साइड में, और फिर मैं बनाती हूँ फटाफट से रोटियाँ। यहाँ पर मैंने रख दिया दाल को टेबल पर, तो वहीं पर जो बैठ के खाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए सारा काम कर लिया था, जैसे कि खाना बनाने का था मतलब रोटी वोटी, तो वो बन चुकी हैं। और यहाँ पर है ना मैं जो है इसको मैं सेक रही हूँ, जो ये मैंने रोटी वाला बनाया ना मतलब जो टिफिन में नीचे रख देते हैं वो मैंने बनाया था। तो अभी मतलब धूप नहीं निकल रही, तो यहाँ पर मैं उसको थोड़ा सा गर्म कर देती हूँ, तो इसकी जो जिसमें भाप का वो पानी रहता है ना वो सूख जाता है जल्दी से, तो इसलिए मैंने उसको गर्म किया। उसके बाद मैंने रोटियां भी रख दी, और यहाँ पर हमारी बन रही है मिर्ची, जो कि खाने का स्वाद बढ़ाती है, बहुत ही अच्छी लगती है तली हुई मिर्ची। तो मैंने यहाँ पर मिर्चियों को तल लिया है ये देखिए, और यहाँ पर हम जो खाना लगा देते हैं। और चलिए दोस्तों मैं भी खा लेती हूँ और आप भी खाना खा लीजिए दोस्तों। उसके बाद मैंने सफाई की पूरे घर की, और जब तक पूरे घर की मतलब सफाई दोबारा नहीं होती ना तब तक तो ऐसा लगता ही नहीं है कि मैंने घर की सफाई की, तो इसलिए मैंने दोबारा पूरे घर में मतलब झाड़ू पोछा और बाहर भी धो दिया, मतलब सब साफ़ कर दिया था, मतलब पूरा घर मेरा व्यवस्थित हो गया था। अभी अभी करीबन 11 बज रहे हैं, यहाँ पर मेरा पूरा काम हो चुका है सुबह से ले सुबह 5:30 बजे या 5 बजे से लेके 11 बजे तक मेरा पूरा काम हो गया है। तो यहाँ पर कपड़े भी धो के डाल दिए, और यहाँ पर अभी मैंने बाल भी धुले थे आज है ना, थोड़ा सा मैं बाल में कुछ लगाने वाले थे ना तो वो बस लगा लिया था। उसके बाद फिर मैंने 1-2 घंटे उसको रखा, फिर मैंने कपड़े धोए थे ना उसके साथ साथ मैंने जो फिर बाल लाल धो लिए, और यहाँ पर मैं सुखा लेती हूँ बालों को, और उसके बाद में फिर मैं कंघी वगैरह करूँगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कपड़े डाल देती हूँ। अभी देखिए यहाँ पर धूप निकल आई है, जब धूप निकल जाती है ना सुबह सुबह तो हम यही करते हैं कि सबसे पहले कपड़े सुखाते हैं, जितने भी कपड़े गीले होते हैं ना जो सुबह सब लोग नहा करके जाते हैं ना सभी मैं कपड़े यहाँ पर डाल देती हूँ जब भी मुझे धूप दिखती है। तो मैंने सारे कपड़े डाल दिए यहाँ पर सूखने के लिए। उसके बाद मैं कुछ अभी बाल मतलब कंघी वगैरह वो कर लेती हूँ,
देखिए यहाँ पर हमने कंघी कर लिया, बाल मतलब थोड़े से लंबे रहते हैं ना तो फिर टाइम लगता है सुलझाने में भी, और मैंने उधर है ना पूरा साफ कर दिया, तो फिर मैंने सोचा यहीं पर जो है कंघी कर लेते, बाल एक आध गिरेंगे ना, और उधर जब बाल गिरते हैं ना तो फिर बेकार लगता है बहुत सफाई होने के बाद में, तो इसलिए मैंने यहीं पर जो है कंघी कर ली है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ, अगर वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे प्यारे दोस्तों। राधे राधे, फिर मिलती हूँ।